सत गुरुदेव भगवान की जय। आ गई गुरु पूर्णिमा। हम सब अपने अपने सतगुरुओं की, अपनी परंपरा की, भगवान आदि गुरु शंकर की, तीर्थंकरों की, नानक जी की, बुद्ध की, जिनको हम मानते हैं, उनकी उस दिन निश्चित समर्पित भाव से सेवा करेंगे। हर दिन की अपनी महिमा है। आप रोज शिव पूजा कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को विशेष बताया है। आप हर हफ्ते सोमवार को पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल को अति विशेष बताया है। हर पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन मासिक प्रदोष को सर्वोत्तम बताया है। आप हर मास प्रदोष में शंकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार शिवरात्रि को सर्वोत्तम बताया है। वैसे ही आप गुरुओं की पूजा रोज कर सकते हैं, विशेष गुरुवार को कर सकते हैं, उसमें विशेष मासिक पूर्णिमा को कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्यासपीठ की पूजा होती है, ये गुरु पूर्णिमा के पावन दिन में जो हम पूजा करते हैं, कहते हैं कि चंद्रमंडल से 16 कलाएं उस दिन चारों तरफ बिखर करके गुरु की कृपा को हम तक पहुंचाने में सहयोग करती है। गुरु पूर्णिमा के अपने आप तंत्र मंत्र यंत्र तीनों अभ्यास करने वालों के लिए अति विशेष मानी जाती है। कई तांत्रिक लोग कहते हैं कि दिवाली होली आदि विशेष तंत्र साधना के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन हम जैसे सात्विक साधकों के लिए, आप जैसे घर में पूजा पाठ करने वाले सरल भक्तों के लिए, जो तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर की कृपा पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये पूर्णिमा, ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, इस समय में धूप और बरसात दोनों मिश्रित होने के कारण इस समय में जो प्रकृति की ऊर्जा है ये अनुग्रहित होती है और ईश्वरीय गुरु कृपा को हम तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाती है। उस दिन हम सब इकट्ठे होंगे कृष्णगिरी में। ये वस्त्र मैंने पहना है। मंत्रिस्त वस्त्र क्यों देना महाराज? आप तो मंत्र बोलते ही हो। आप ध्यान रखना, हम सब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जप करते हैं। उस शब्द की शक्ति पर हम जितना विश्वास करते हैं, उतना ही विश्वास हमारे हाथ से लिखे हुए श्री राम जय राम जय जय राम पर भी करते हैं। इसीलिए राम रमा बैंक की बनारस में खुला हुआ है, जहाँ करोड़ों जय श्री राम जय राम जय जय राम लिखवा लिखवा के पोतियों को इकट्ठा किया, जिसको राम रमा बैंक कहते हैं, जो काशी में है। क्योंकि जितनी शक्ति शब्दों में है, उतनी ही शक्ति अक्षरों में है। हमने सोचा कि कई लोग मंत्र बोल नहीं पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे, या मेरे बोलते समय मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, तो इस अक्षरों के माध्यम से वो दिव्य शक्ति को प्राप्त करेंगे। मैं जो मंत्र बोलूंगा उसमें जितने बीज होंगे, जितने यंत्र होंगे, जितनी शक्तियां होगी, जितनी दुर्लभ चीजें होगी, उसी को हाथ से लिख के इसमें प्रिंट कराया है हमने, जिससे वो मंत्र के अक्षर की शक्ति भी आप में पहुंचे, उसकी शब्द की शक्ति भी आप में पहुंचे, उसके तरंग भी आप में पहुंचे और उसकी पूर्ण रूप से ऊर्जा भी आप में पहुंचे। हम सब कम से कम 11:30 बजे कृष्णगिरी में आपको एकत्रित हो जाना है, जिन्होंने नाम लिखा दिया है। और 11:30 बजे आने के बाद आपको शुद्ध जिब्बा कुर्ता या कोई ऐसा वस्त्र पहनना जिस पर सीधा नहाना है आपको। वो वस्त्र आपका धुला हुआ हो तो चलेगा, लेकिन वो पहनने के बाद आपको टट्टी पिसाब कुछ भी नहीं किया हुआ होना चाहिए, आपको शुद्ध होना चाहिए। ऐसे शुद्ध हो करके आप नहा के जो जुब्बा कुर्ता पहने, 12:00 बजे मध्य आकाश में सूर्य हो, तब सूर्य नाड़ी को जगाने वाले मंत्रों के साथ, औषधि संजीवनी मंत्रों के साथ 108 अलग अलग मंत्रों से 108 बार हम औषधि स्नान करेंगे। एक औषधि लिया, एक स्नान किया, एक औषधि लिया, एक स्नान किया। मुझे नहीं लगता कि आप एक दिन में 108 बार आप पानी डाले होंगे अपने सिर पर। ये मौका है ऐसी औषधियों से नहाने का, जिनसे नहाने मात्र से श्राप पाप दोष संकट रोग कष्ट सभी प्रकार के आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होने की उल्लेख शास्त्रों में बताई गई है। जंगल की औषधियां, जड़ी बूटियां, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें जो मिलना ही दुर्लभ है, वो सब आपके लिए एकत्रित किया गया है। मात्र 1,500 रुपया ले रहे हैं, लेकिन आपको नलाने के लिए जितना बाल्टी मग मंगाया वही 8,00,000 रुपए का है। और इन औषधियों की कीमत तो बेशकीमती है, अति दुर्लभ है। जिसका मेहनता ना लगाओगे तो करोड़ों रुपए से भी आप प्राप्त नहीं कर सकोगे। इन औषधियों के उल्लेख को मैंने पहले ही एक वीडियो में डाल दिया, अभी तो आपको कैसे आना, ये
मार्गदर्शन देने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप जहां आएंगे खुले मैदान में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, आपके नीचे एक आसन रहेगा जिस पर आप खड़ेंगे। आपको एक बड़ी बकेट दी जाएगी, नई शुद्ध, किसी का उपयोग किया हुआ नहीं, इसलिए पूरा नया खरीदा है। उसमें आपको 18 लीटर पानी और एक मग्गा और आपको एक 5 लीटर का और एक बकेट दिया जाएगा, जिसमें एक एक करके आप औषधि को थोड़ा थोड़ा मिश्रित करेंगे। पानी वहीं से टैंकरों के द्वारा आपको लेना होगा और अपने बकेट आपने भर लिया, वहाँ आप अपने निर्धारित स्थान पर खड़े हो गए, गुरुदेव जैसे जैसे फरमाएंगे वैसे वैसे आपको मंत्र, औषधियों के मंत्रों को सुनना है, फिर एक एक करके स्नान करना है, जिससे आपकी पूरी रूप से बंद सूर्य नाड़ी की शक्ति शुरू हो जाए चलना और आपके जीवन में उस सूर्य शक्ति से आरोग्य, बल, तेज, पराक्रम, सक्षमता, इच्छित वस्तु प्राप्ति की सिद्धि प्राप्त हो। ये भावना है मेरी कि आपका मंगल हो, इस कामना से हम इस क्रिया को कर रहे हैं। अब दोपहर में हम उधर आप जो वस्त्र लेके आएंगे नहाते समय, एक तो पहने होंगे, एक प्लास्टिक कवर में आप याद से एक वस्त्र को डाल के ले आइएगा साथ में, जिसमें टॉवल हो, एक सफ़ेद जुब्बा कुर्ता हो और अंदर के वस्त्र हो, स्त्रियों के लिए साड़ी हो और अंदर के वस्त्र हो, ऐसे एक प्लास्टिक बैग में लाइएगा, जिसको आप अच्छे से पैक करके ऐसे टेप वगैरह मार लीजिएगा कि अंदर में एक बूंद भी पानी न जाए, क्योंकि हम हजारों लोगों के लिए कोई स्टैंड उपलब्ध नहीं करा सकते खुले मैदान में। धाम के अंदर तो कमरे हैं, बाथरूम है, बाथरूम के अंदर आप स्टैंड में व्यवस्थित सब सामान रख सकते हैं, लेकिन ये बाथरूम में करने जैसा है नहीं, खुले मैदान में करना है। तो आप खुले मैदान में मट्टी के आंगन में आप अपने वस्त्रों की पैकेट कैसे रख पाओगे, इसलिए उसको ऐसे प्लास्टिक कवर में पैक करके लाइए कि अंदर में एक बूंद भी पानी ना जा सके। आपकी औषधि स्नान होने के बाद शुद्ध जल से आपको नहाने का जब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उस समय शुद्ध जल से नहा लिए, शरीर को पोंछ लिए, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ आनंदमय मंत्रों के साथ परिपूरित हो गए, तो उसके बाद आप आराम से अपने जिब्बा कुर्ता लाल साड़ी जो भी पहनना पहन लें। स्त्रियों के लिए सिक्योरिटी युक्त पर्दे की व्यवस्था के अंदर नहाने की पूरी व्यवस्था की गई है, वो निसंकोच अपने स्थान में, अपनी जो जगह पूरी सुरक्षित है उसमें नहा सकती हैं स्त्रियां। खुले मैदान में ही ऊपर से सूर्य दिखता हो लेकिन चारों तरफ 10 फुट का पर्दा हो, उसके अंदर स्त्रियां खड़ी होकर के आराम से नहा सकेगी। और आप जब ये दूसरा वस्त्र पहन लेंगे, उस वस्त्र को पहनने के बाद, नहाने के बाद आप भोजन में जा सकेंगे, उस पर भोजन कर सकेंगे। फिर प्रकांड पंडितों के यज्ञ में बैठ करके हम सब 3 बजे से करीब 6 बजे तक दोष हरण के विभिन्न विधान, भैरव देव पद्मावती माँ के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ, ग्रह दोष निवारण के सभी विधान को पूर्ण करेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी संध्या भोजन के लिए तैयार हो जाएंगे। शाम को तो गुरु पूर्णिमा है, अनंत गुरुओं की कृपा बरसती हो, उस समय 56 प्रकार के विभिन्न भोजन को करके गुरु महिमा की गुणगान करने के लिए तैयार हो जाएंगे खा पी के, ताकि हम मस्त और रुस्तम हो सकें। उसके बाद हम संध्या में 8:30 बजे गुरुदेव द्वारा दिया हुआ ये मंत्रित वस्त्र को पहन करके, ये सिर्फ आपके लिए मैंने ओढ़ लिया कि आपको बताऊं कि कितना सुंदर लगोगे आप इसको पहनने के बाद, और इसके बाद आप 8:30 बजे हमारे पास वहाँ खुले मैदान में आ जाओगे। सुबह तो खुले मैदान में सूर्य स्नान किया, दोपहर में यज्ञ में धूम्र स्नान किया, अब समय आया चंद्र स्नान। हमारे शरीर में 3 नाड़ियों का विवरण है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। धूम्र धुआं सुषुम्ना को जगाता है और सूर्य स्नान ईड़ा को जगाता है, और शाम को खुले मैदान में जब चंद्र में जाएंगे तो पिंगला भी जग जाएगा। जब तीनों जगेंगे तो हमारे इस शरीर में रहे हुए पाप ताप संताप मिट जाएंगे। शाम को हम एक छोटे से प्लेट में गुरु कृपा प्राप्ति की एक दिव्य यंत्र लेंगे, जो तांबे से शुद्ध मुहूर्त में शुद्ध रूप से बनाया, जिनके अंक चंद्र के 16 प्रकार के किरणों को आकर्षित करके 16 सिद्धियों को देने वाला है। जिनका घर नहीं बना उनके लिए घर बनने, जिनके पुत्र नहीं हो उनके पुत्र प्राप्ति के लिए, जिनका व्यापार नहीं चलता हो उनके व्यापार के लिए, ऐसे जो शास्त्रों में 16 सिद्धियां बताई गई है, 16 प्रकार की कृपा बताई गई है, चंद्र किरणों के 16 आकर्षण बताए गए हैं, उसमें है श्री, द्रुति, मति, कीर्ति, कांति, बुद्धि, लक्ष्मी, मेधा, विद्या, ऐसे 16 शक्तियां। उन 16 शक्तियों को प्राप्त करने 16 इसमें खंड हैं, जिससे हम एक एक की पूजा करके 16 आकर्षण करेंगे, जिसको घर में रखने के बाद आपके
कई वर्षों की जो मनोकामना अपूर्त थी वो पूर्ण होने की कृपा आपके पुण्य से, भक्ति से और विश्वास से ईश्वर आपको देंगे। रात में 540 ऐसे सिद्ध पठित मंत्रों की शक्ति आपको प्राप्त होगी। सामने बैठ के सुनने वाला तो अत्यंत भाग्यशाली होगा, क्योंकि उस ऊर्जा को वो सीधा बैठ के अपने मूलाधार चक्र से लेकर के स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार्थक धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। वो मंत्र की शक्ति आपके सिर पर जब स्थित हो जाएगी तो कई वर्षों तक आपके अंदर रह के विभिन्न तेजस्वी दैविक कार्यों को संपन्न करेगी। ये पठित सिद्धा मंत्र निश्चित अनुभव से कल्याण करने वाले हैं, विश्वास से मंगल करने वाले हैं, अनुष्ठान से सिद्धि देने वाले हैं। इन विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके एक ही दिन में उस गुरु पूर्णिमा में अनंत गुरुओं की कृपा, अनंत सिद्धों की कृपा, अनंत कल्याणकारी दैविक शक्तियों की कृपा, भगवान की कृपा, त्रिदेवों की कृपा, इष्ट देवता, कुल देवता, गोत्र देवताओं की कृपा, ग्रहों की कृपा, सब प्राप्त कर लोगे। क्योंकि 540 मंत्रों में ग्रह मंत्र, गोत्र देवता मंत्र, कुल देवता मंत्र, इष्ट देवता मंत्र, क्षेत्रपाल मंत्र, त्रिदेवों के मंत्र, भगवान के मंत्र, कई गुरुओं के मंत्र, ऐसे विभिन्न संगठित मंत्रों को हम सुन रहे हैं, जिसको सुनने के बाद कुछ बचेगा नहीं। कई लोगों को ऐसे लगेगा कि एक बार में किसी का कल्याण हो जाता है क्या? अरे विश्वास करो तो एक बार तो बहुत लंबी दूर की बात है, एक क्षण में कल्याण हो सकता है, वो क्षण आपके जीवन को बदल सकता है। कोई एक चार घंटे की भी जरूरत नहीं, विश्वास तो मात्र एक क्षण मांगता है खुद को बदलने के लिए। वो विश्वास के साथ कृष्णगिरी आओ। जिन जिन्होंने नाम लिखा दिया है, वस्त्र को प्लास्टिक बैग में लपेट करके अंदर टॉवल, चड्डी, बनियान, आपका जो भी उपकरण है, जिब्बा कुर्ता, हवन के समय आपको सफ़ेद जिब्बा कुर्ता, लाल साड़ी होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ आपके संकल्प होंगे सभी दोष निवारण के लिए। उस समय यही वस्त्र का संकल्प होगा तो आप उस वस्त्र को पैक करके लेके आएंगे। बाकी खाने पीने की यहाँ व्यवस्था है, सामूहिक ठहरने की व्यवस्था, यहाँ कोई ठहरने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप आराम से 11 बजे तक पहुंच जाएं तो बस, और रात्रि में 2 बजे आप आराम से निकल सकते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप श्रावण में यहाँ रहना चाहते हैं, कथा में रहना चाहते हैं और आप आ ही गए हैं और जाने का अगले दिन आपने टिकट करवा लिया है, और अगर आप 4, 5, 6, 8 दिन रह सकते हैं तो मेरा तो अनुरोध आपको है कि आप मत जाइए, आप कृष्णगिरी रह जाओ। ये श्रावण को ऐसे मनाओ माँ के चरण में। मैं कथा कर रहा हूँ, आप भक्ति करोगे, पंडित हवन करेंगे और हमारे पुजारी लोग पूजा करेंगे, पुजारी की पूजा, पंडित जी की यज्ञ, गुरु जी की कथा और हमारी भजन भक्ति, चारों जब मिल जाएगा तो चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्मार्थ, काम, मोक्ष को देने वाला बन जाएगा। आपका जीवन ऐसे सफल होगा कि याद करोगे कि हमने कुछ किया। इसलिए जो लोग आ रहे हो, अगर 8 दिन दे सकते हो तो आगे 15 तारीख से 22 तारीख तक दो शुक्रवार के बीच में आने वाले 8 दिन तो भी यहीं रुक जाओ, कोई बड़ा काम नहीं, मात्र 8 दिन के लिए 1000 रुपया देना। अगर आप नहीं दे सकते हो तो मत देना, मैं वो भी नहीं मांगूंगा, लेकिन आप भगवती के चरण में भक्ति ऐसे करना कि घर जाके किसी को मालूम पड़े कि जरूर ये कृष्णगिरी से आए होंगे। क्योंकि वहां से आने वालों के ऊर्जा अलग ही होती है, तेज अलग ही होती है ना, उनके जीवन शैली, मजा अलग ही होता है, ऐसे दुनिया कहनी चाहिए इस माँ की शक्ति से। इसलिए आपको निश्चित कम से कम 1 हफ्ता और हो सके तो 29 दिन यहीं ठहर जाओ जो गुरु पूर्णिमा में आ रहे हो। आपके रहने की व्यवस्था मैं करूंगा, भोजन मैं करूंगा, मात्र आप भजन करो बस से, बाकी सब तो देख लिया जाएगा। आप भजन करते रहो, आने वाले हर व्यक्ति को कम से कम 8 दिन तो भी यहाँ रहना है। 30 दिन रह जाओगे तो माँ के चरण से सिर तक का दर्शन हो जाएगा, कण कण बरस जाएगा आशीर्वाद के रूप में, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अभी भी गुरु पूर्णिमा में आने वाले लोगों को किसी को नाम नहीं मिला है तो आपको नाम लेना है और इस कार्यक्रम में जुटना है। इस वस्त्र को जैसे मैंने पहन लिया, मैं मस्त हो रहा हूँ, वैसे आपको भी मस्त होना है तो आप 90513 पर संपर्क करें, तुरंत अपना नाम आरक्षित करके 1500 रुपया बैंक में भर के पहुँच जाएँ। इतनी सारी सामग्रियों के साथ यहाँ
कई सारे फल और सब्जियों की प्रदर्शनी भी हो रही है। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हमने सुना कि वो पूर्ण शाकाहारी है, तो मैंने सोचा कि हम किसी राजनेता को प्रमोट करें ना करें, शाकाहारिता को जरूर प्रमोट करें। तो 12 फुट की फल सब्जी से बनी हुई द्रौपदी मुर्मू का सुंदर प्रतिमा, पूरा फल सब्जी से बना हुआ। सो भारत के ऐसे संत महान त्यागी, महान शहीद लोग, महान नेता, इन सब के भी 100 तरबूजों में सुंदर सुंदर प्रकृतियां, प्राकृतिक रूप से बने हुए सब्जी से बने हुए मोर पतक आदि विभिन्न पक्षियां ये प्रदर्शनी को देखने, सुंदर कृष्णगिरी में गुरु पूर्णिमा में सजा हुआ तीर्थ को देखने आनंद लेने आओ। और अगर आप फोन करो और यहां से कह दें कि नाम पूरे हो गए हैं, तो भी आप शाम को निःशुल्क होने वाले मांगलिक कार्यक्रम में उपस्थित होने भी पहुंचो, उसमें कोई पैसा नहीं है। पैसा तो औषधियों का, यंत्र का, वस्त्र का लिया जा रहा है, आपको तो निशुल्क आकर के भजन पूजन में बैठ करके आनंद, मांगलिक में बैठने का आनंद पूरा ले सकते हैं। इसके लिए 1 रुपया भी शुल्क नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। आप सबको मैं खूब प्रेम से, भारत भर में रहने वाले सभी भारतवासी, विश्व भर में रहने वाले विश्ववासियों को, अपने अपने गुरुओं को प्राप्त करने इस कृष्णगिरी की छत्र छाया में पहुंचे, जहां अनंत गुरुओं के नाम मंत्रों से गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। कोई भी संप्रदाय खाली नहीं होगा, कोई पंथ खाली नहीं होगा। भारत में जितने धर्म हुए हैं, सभी धर्मों के गुरुओं के स्मरण के साथ गुरु पूर्णिमा मनाया जाएगा, उसमें निश्चित आपके गुरु भी होंगे। गुरु कृपा से वंचित न हो जाए, कृष्ण गिरी पहुंचे और इस गुरु पूर्णिमा को अपने जीवन का यादगार गुरु पूर्णिमा बनाएं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव।